हेलो हेलो परू, हेलो दिखाओ परू को, चोटी कहाँ लगी है? चोटी कहाँ लगी परू को? जी ये परू को यहाँ चोटी लग गई, लिप्स लिप्स पे चोटी लग गई परू को। देखिए और क्या खा रहा है परू? फूल के ऊपर गर्दन तोड़ गई। क्या खा रहा है? डालो रसगुल्ला। हाँ। रसगुल्ला खा रहा है। ओके ये तो बिल्कुल हरा भरा हो गया विनोद, हरा भरा हो गया। हरा भरा हो गया, ये कितने गर्दन तोड़ गए आए हुए। दो तो मिनट बेटे, यार ये तो घर पे भी लगाना है विनोद, लेके चलना है। कहाँ से लेके चलना है? उससे तो छोटे से, तो इतना बड़ा वाला लेना है, लेना है ये दो लेने हैं ये। आउटडोर चीजें देखा। हेलो हेलो हेलो, परी कर रही है हेलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्कूल खिले रहे मिलते हैं। आप करोगे, बनाओगे आप? हाँ मैं बनाऊंगा, ये लो। हाँ करो, स्टार्टिंग करो। हेलो हेलो फ्रेंड्स, आगे आपका स्वागत है नीरव अवधैया के व्लॉग्स में। क्या बात है। आज आज होगा मंडे, सोमवार। आज है सोमवार, मंडे 10 जून। 10 जून और आज परी हो गई है पूरे 20 महीने की। ऐ परी, आज सेलिब्रेशन है परी का। तो हम आ गए हैं, कहाँ गए? गुड़गांव वाले घर पर। रुको 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 मैं आपको मिलवाऊंगा एक मेहमान, और वो है हमारा मेहमान। मेहमान छुप गया, मेहमान छुप गया। मेहमान भाग रहा था, मेहमान भाग रहा था, और मैंने पकड़ लिया। मेरी दीदी भागने की कोशिश। आज है सर मंडे इवनिंग और हम आ गए छत का मजा लेने के लिए, क्योंकि रोहिणी दिल्ली जाने के बाद में इस खुले वाले एरिया को तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। वहाँ बालकनी भी इतनी छोटी सी है कि वहाँ पे बैठ नहीं सकते, तो बहुत कम है, आप खड़े हो सकते हो, बैठने की इसमें जगह नहीं है। और जो क्या चीज़ है, मशीन वहाँ पे रख दिया तो उसके बाद स्पेस भी नहीं बच पाता है। क्या हुआ, ये हो नहीं रहा। और वो रखे मेरे कपड़े और चाय, अभी मशीन लगा लूंगी मैं। और इन्होंने ट्राई कर रहे हैं इस फोल्डिंग को बिछाने का, तो आज इतना कुछ काम नहीं था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ऊपर ही चाय पीते हैं। थोड़ा सा उस तरफ बिछाओ ना, इधर धूप आ रही है, उधर बिछाओ। चलो दिखाते हैं वहाँ। सही कहते हैं, दिल्ली में लोग कैसे रहते हैं। खुला एरिया यहाँ पर इतना। ये देखो उधर, वो जैसे छत है, इतनी बड़ी छत है, लोगों ने एक एक कमरा बना रखा, उसके बाद छत है। क्या हुआ, ना झूला भी डाला हुआ है, झूला काले ने डाल रखा है। वो काले का यो है कि वो है, यो तो है, साथ वाला है काले का, अगले पे है काले का, पिंक वाला है। हाँ। अच्छा अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ शायद ना, ये रहा छत है, छत पे इतना बड़ा झूला। सही है, अभी देख हम कितने दुख से बनाते हैं, पता भी नहीं चला, साइड से बना दिया पूरा मकान। ये देखो दो दो तीन तीन बिल्डिंग बन रही है अपना। सही है, ताऊ जी अपना जा रहे हैं, तो चलो चाय पी रहे हैं। और ये आ गई हमारी चाय, चाय ठंडी हो गई वैसे। और ये परी की लीची, पर लीची खानी है, लीची खानी है। पिलो राजा पहले चाय ले लें, ये लो दीदी खिलाएंगे आपको। तमाशा
वो रहा प्लेन भरू आओ इधर पीछे से देखो परू खुश हो जाती प्लेन देख के, वहां तो परी को देखने को ही नहीं मिलता है। दो जाली में जाकर है प्लेन खीरे ककड़ी सब्जी मेरा प्लेन में ध्यान है तेरा सब्जी में ध्यान है क्या पता चलेगा। परू प्लेन गया प्लेन कहाँ था हाँ 4 मिनट की है वो तो छोटी सी हाँ और ये नीरव की बस शरारते ही चलती रहती है। डाला मजा आ गया सबको कर दिया मजा आ रहा है है वो इतने परी खड़ा होने का ट्राई कर रही है आहा मजा आया। और परी के लिए मैंने बहुत कुछ मतलब एक अच्छी सी चीज मंगवाई है। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया नर्सरी जाना तो हम गए थे नर्सरी क्योंकि कुछ एक प्लांट्स और लेने थे हमें वहाँ दिल्ली नहीं मिल पाए तो हम लोगों ने फिर जो गुड़गांव आते थे तो हमने सोचा गुड़गांव ही लेते हैं। और अब भी मुझे एक स्पाइडर प्लांट चाहिए था वो नहीं मिला वो मुझे वहीं से लेना पड़ेगा। काफ़ी कॉस्टली दे रहा था 350 का दे रहा था तो बट क्या कर सकते हैं। और पर यहाँ सब पौधों से देखो प्यार कर रही थी सबको ऐसे प्यार से पूछी कर रही थी और अंधेरा हो चुका था तो जो भी जितना हुआ हमने चूज़ किए हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कौन कौन से लिए हैं। तो मोस्टली हमने इंडोर प्लांट्स ही लिए हैं क्योंकि बाहर तो रखने की स्पेस है नहीं। और अंधेरा हो गया था तो भैया हमें ऐसे ही बैटरी से दिखा रहे थे और जिस नर्सरी पे हम गए उन्होंने काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे और काफ़ी अच्छे वाले प्लांट्स दिए हैं उनकी मतलब रियल में जो केयर होती है ना वो केयर उन लोगों ने की हुई थी। तो चलिए मैं प्लांट्स आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ अभी घर पहुँच जाते हैं। और हम आ गए घर पर। मैं आज डिनर में बना रही हूँ टिंडे तो टिंडा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है सरसों के ऑयल में ही बना रही हूँ। सरसों का ऑयल वैसे बेस्ट होता है तो उसको गरम कर लीजिए। उसके बाद मैंने टिंडों को इस तरह से काट दिए हैं ना छोटे पीस है ना बड़े ठीक ठीक से पीस है। और उसके बाद इनको हमें तल लेना है इनको थोड़े से हम पहले फ्राई कर लेंगे। और विनोद को टिंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैं बना रही हूँ तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट वे से बना रही हूँ और ऐसे अगर आप बनाते हैं तो टेस्टी भी लगते हैं। तो मैंने भी जो टिंडे हैं पहले उनको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी ताकि थोड़े से वो पक भी जाएंगे। और कुकर में अगर बनाते हो तो जल्दी बन जाते हैं बट अगर कढ़ाई में आप बनाओगे तो थोड़ा सा लेट बनते हैं तो आपको इनको फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप इनको निकाल लीजिएगा अपने अलग बर्तन में और फिर इसी कढ़ाई में जो ऑयल बच गया है उसमें मैं यहाँ पे जीरे का छोंक लगा दूँगी। और जीरा तड़कने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज और ज़्यादा कुछ नहीं डालना हमें बेसिक मसालों के साथ ही पकाना है। बट जब आप इसको पहले अगर तल लेते हैं तो उसी से थोड़ा सा टेस्ट में इसमें डिफरेंस आ जाता है। और ये मसाले वाले टिंडे हैं तो मैंने प्याज है उनको भी थोड़ा मोटा मोटा कट किया है बिल्कुल बारीक जो फाइनली चॉप होता है वैसे नहीं किया। और अगर आप जो अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करते हैं तो आप इस टाइम पर डाल सकते हैं प्याज के साथ ही बट गर्मियाँ है तो मैं नहीं डालती हूँ इसलिए मैं सिर्फ प्याज ही इसके साथ डाल दूँ। प्याज को मैं करूँगी फ्राई और प्याज के साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी। तो इससे जो सब्ज़ी आप ग्रीन सब्जी अगर बनाते हो उसको प्याज के साथ आप भून लेते हो ना हल्दी को तो जो उसका कलर होता है हरी सब्ज़ी का जो कलर होता है वो उसका मतलब वैसे ही रहता है चेंज नहीं होगा उसका। तो प्याज के साथ ही आप हल्दी को भून लीजिएगा जब भी कोई ऐसे ग्रीन वेजिटेबल आप बना रहे हैं। और बस इसको प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम टिंडा लिया है उसके लिए मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर कट कर लिए हैं और उसके साथ ही 4-3 मिर्ची हरी मिर्च मैंने बीच में से कट करके और इसी में डाल दी है ऐसे ही। मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाती क्योंकि परी और नीरे भी खाते हैं तो फिर ज़्यादा तीखा होने पर वो लोग नहीं खा पाते। और बस अब इसमें हम डाल देंगे अपने जो सारे बेसिक मसाले होते हैं वो। तो वही होता है थोड़ा सा आप डिफरेंट तरीके से बनाइए बोरिंग सब्ज़ी को तो वो भी टेस्टी बन जाती है और डिफरेंट स्टाइल में बनाते रहेंगे तो सबको पसंद भी आती है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी जस्ट मिक्स करना है नमक डालने के बाद। और उसके बाद जो बेसिक मसाले हैं हमारे गर्म मसाला और धनिया पाउडर है वो डाल देंगे और फिर उसके साथ उसमें थोड़ा सा घी डाल के और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें थोड़ा सा जब भी हल्का सा घी छोड़ने लगेगा मसाला तब तक के लिए सिर्फ पकाना है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों मसाले डाल दिए हैं अपने नमक और हल्दी हमारे पहले हो चुकी हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो ये आपके जो मसाला
मसाला भिंडी के आधार बार बार जो मसाला टिंडा है वो आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो बस इसको दो से तीन मिनट के लिए ही पका लीजिएगा, ज़्यादा नहीं पकाना। तो मसाला हमारा है वो रेडी हो गया। अब इसमें हमें डाल दूँगी जो टिंडे थे मेरे, जो मैंने पहले फ्राई कर लिए थे, वो टिंडे डाल के मिक्स कर लेना है। और टिंडे हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा लेट पकते हैं और कढ़ाई में ना लगे, उसके लिए हम इसमें आधा कप के अराउंड पानी डाल देंगे और फिर इसको ढक करके पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप के अराउंड पानी डाल लिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि टिंडे कच्चे रहेंगे तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और ये इसको पकने में हेल्प करेंगे। तो इनको मिक्स करके अच्छे से ढक के पका लेना है। और बाद का जो सब्ज़ी बनने के बाद का वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो आपका 15 से 20 मिनट में आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हो गया है ट्यूसडे मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में मैं दिखा रही हूँ आपको जो मैं प्लांट्स लेके आई थी, ये सकलेंट है, ये सब मैं लेकर के आई हूँ, कैक्टस है इसमें और भी बहुत सारे, इनके नाम क्रेचुला ऐसा कुछ नाम है, इनके अजीब अजीब से नाम है, बट ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और आपके अंदर भी रखे अच्छे लगेंगे। ये रबर प्लांट है जिसको मुझे वॉश करना है, ताकि बाहर रहते तो इतना केयर नहीं कर पाते ना। और ये सिर्फ दो ही प्लांट बचे हुए थे रबर प्लांट, उसे सारे बिक गए थे, बट ये भी अच्छी कंडीशन में है तो मैंने इसको ले लिया, इसको अच्छे से वॉश करना है। और ये पाम ट्री, मेरे को पाम ट्री लेने का इतना ज़्यादा मन था ना, बट ये ऐसा ही मिला, इसको भी वॉश करके साफ़ करना है और एक पाम ट्री और लेके आऊँगी मैं। तो ये थे मेरे सारे प्लांट्स और फिलहाल मैं जा रही हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर, और छत पे जाके मैंने देखा ऐसे मौसम हो रखा था बारिश वाला, मज़ा आ गया है देख करके। देखिए बादल, और सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था धूप ऐसे चमक रही है जैसे दोपहर हो गई है, लेकिन बादल हो रखे थे तो काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है। और ये देखिए आप देख पा रहे हैं, तो ये कबूतर छिपा हुआ है इन गमलों के पीछे, ये एक्चुअली यहाँ पे पानी पी रहा था। जब मैं आई तो मैं इसको देखा तो ये पानी पी रहा था और ये शायद उड़ नहीं पा रहा है, ये बात मुझे बाद में नीरव ने बताई, इसीलिए यहाँ पर छुपा हुआ है। और ये विनोद के प्लांट्स हैं, यहाँ पे पानी पीने आया और मैंने इसका पानी पीने का रखा था इनके लिए, बट शायद डालते नहीं, ये पता नहीं किसने यहाँ पर कॉर्नर में रख दिया। और प्लीज़ अगर हो सके ना तो आप सब भी जो करते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि आई नो कि बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते क्योंकि ध्यान नहीं देते। बट अगर है तो प्लीज़ पक्षियों के लिए पानी जरूर डालें, थोड़ा कहीं ना कहीं पक्षियों के लिए है या आप डॉग्स के लिए, काऊ के लिए, किसी के लिए। अगर आप जैसे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो आप अपने गले में वहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हैं, और अगर ऊपर रहते हैं तो प्लीज़ उनके लिए ज़रूर रखें। मैंने यहाँ रखा था ये, ताकि ये अच्छे से दिखाई दे जाए सबको, ये कॉर्नर में रखने से इतना नहीं पता चलता है। वैसे तो उधर पेड़ हैं तो शायद उन्होंने इसलिए रखा होगा कि पेड़ पर जो आते हैं वो पी लें, बट जैसे अभी ये कबूतर है, अब ये मुझे आई नो कि पानी पीने के लिए ही आया है, ये देखो ये इसमें से पानी ही पी रहा था। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, मैं विनोद को भी बोल के जाऊँगी कि ध्यान रखें, एटलीस्ट सुबह शाम विनोद आते हैं छत पे तो कम से कम पानी तो रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है और यहाँ पे वो आते हैं कबूतर तो पी लेंगे यहाँ से। और आगे की तरफ मैं नहीं रख सकती क्योंकि नीचे गिरने का रहता है चांसेस, और बारिश का मौसम हो गया है, शायद दिल्ली वगैरह में तो शायद हो रही होगी, पूछती हूँ कॉल करके भाई से, गुड़गांव में तो बहुत ही कम होती है। और यहाँ देखो कितनी ग्रीनरी है ना, ये पूरा हरा है, बिल्कुल छत से ऐसे हैं, मैं इसको पकड़ सकती हूँ। और इधर ये पीपल नहीं, बरगद है, ये पीछे अगर दिख रहा होगा तो आप लोगों को, पूरा ग्रीन है ये। यहाँ पे अच्छा ये रहता है कि गर्मी रहती है, देखो पूरा हरा भरा उधर भी नहीं, ये भी बिल्कुल, तो अच्छा लग रहा है। और हाँ नीचे की सीढ़ी है, अपने भैंस वैंस बांध रखी हैं, गाय हैं भैंस हैं। यार देखो इन चीज़ों को मिस तो करते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिसीजन लेना था। आप लोगों के कमेंट आए, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मतलब कंसर्न दिखाया था जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, बट कुछ एक डिसीजन होते ना जो लेने पड़ते हैं। गुड़गांव में स्कूल है, लेकिन यार वो पता है जो अच्छे स्कूल है ना, जिनको हम ये कहेंगे कि जो सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, या मतलब जो अच्छे स्कूल है ना, वो फिर उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उतनी ज़्यादा फ़ीस होती है। और दिल्ली में क्या है, आपकी उसी फीस में आपको अच्छे, जो फीस हम देते हैं जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उस फीस में, वहाँ पर अच्छा स्कूल मिल जाता है।
और फिर कहीं ना कहीं सॉरी कुछ आ गया था, तो कहीं ना कहीं मतलब एजुकेशन में फ़र्क है, ये मैंने देखा है। और दूसरा क्या होता है ना, नीरव यार बहुत ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो नीरव का क्या था, नीरव बहुत ही शांत लड़का है, बहुत मतलब इनोसेंट बोलते हैं ना, वो सिक्स क्लास में हो गया लेकिन उसमें जो एक काइंडनेस और जो एक होती है ना वो सब चीज़ें हैं उसके अंदर, वो चालाकी नहीं है उसके अंदर, चालाकी तो क्या बोलूँ मैं, मतलब अब वही समझ लो बहुत ही इनोसेंट है वो, मतलब उसको दुनियादारी का कुछ नहीं पता, ऐसा है मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना वो वैसा ही है। तो आज के टाइम पे ऐसे लोगों का मतलब जो ऐसे लोग हैं ना उनको कोई कुछ नहीं समझता, समझ रहे हो कि मतलब बहुत चालाक बन रहे हैं शायद, मैं पता नहीं समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उसको आज के टाइम पे जैसे हैं वैसा बनाना चाह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो कोई उसका फ़ायदा उठाए, मतलब वो इतना इनोसेंट है इतना भोला है कि लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे मुझे पता है, तो मैं नहीं चाहती कि वो ऐसा बने, सबकी हेल्प करे, वो सब मैनर्स जो काइंडनेस है या जो मैनर्स होते हैं दूसरों की हेल्प करना है दया और वो सब उसके अंदर हो, बट उसके साथ साथ वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों की हेल्प करे, लेकिन अननेसेसरी अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि ये बंदा आपका फ़ायदा उठा रहा है, बस इतना सा। मतलब मैं उसको हमारे जैसा नहीं बनाना चाह रही, मैं और विनोद मतलब आप बोलोगे कि मैं क्या मतलब कैसे बात कर रही हूँ, लेकिन यस मैं और विनोद बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे हैं कि लोग हमारा फ़ायदा उठाकर फिर हमें को चप्पल मारते हैं, हमें पता होता है कि वो हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं लेकिन फिर भी हम नहीं बोलते, तो हम उसको अपने जैसा नहीं बनाना चाह रहे, बस इतना सा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारा बहुत फ़ायदा उठाया है और फिर हमें ही गालियाँ दी हैं, तो मैं वो सब नहीं चाहती हूँ नीरव के साथ, बस। और नीरव बहुत ज़्यादा सिंपल है और मतलब सिक्स क्लास में होकर के अगर आप बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना ही बोलूँगी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिसीजन लिया, ठीक है वहाँ की लाइफ आई नो कि अच्छी नहीं है, वहाँ पे पोल्यूशन वगैरह है वो सब है, इतने अच्छे घर को छोड़ करके हम वहाँ पे रह रहे हैं, ये सब देखने को नहीं मिलता, मतलब ऐसा हो जाता है खुली हवा को तरस जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पार्क में आप चले जाओ वहाँ पर भी है, बट एक होता है ना कि जैसे यहाँ पर आप अपनी छत पे आ गए या बालकनी में, जैसे पालम विहार वाला था वहाँ पर भी काफ़ी खुला था, वो सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है, कुछ एक चीज़ों को पाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो चलो बहुत सारी बातें हो गई हैं और ऊपर आ गए हैं बाकी सब लोग भी, अभी मैं कर लेती हूँ कपड़े वॉश करती हूँ और फिर बनाएंगे खाना, और मौसम बिल्कुल हो गया है बारिश वाला, वो देखो बिल्कुल मस्त बारिश वाला मौसम हो रखा है, आज बारिश 9-11 बजे तक। अच्छा, अरे भाई बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। हेलो, और ये रहा परू, परू चप्पल नहीं पहन के आए, क्यों कपड़े भी नहीं पहने चप्पल भी नहीं पहनी, ये पर ये भी उठी है, हेलो कर दो सबको, परू सबको हेलो करना, हाँ परू सबको हेलो करो। ये बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, हम लेके आए थे भाई की गाड़ी जैसे मैंने अभी आपको बताया, और हमारी गाड़ी का हो गया है एक्सीडेंट जो कि हुआ था सैटरडे को, और जस्ट मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक सेकेंड जो लापरवाही होती है ना वो बहुत फिर बहुत ज़्यादा मतलब उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बट थैंक गॉड कि ऐसे कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि विनोद ड्राइव कर रहे थे और साथ में थे विनोद के फ्रेंड अमित, तो गाड़ी स्पीड में थी और जो दूसरी गाड़ी थी वो भी स्पीड में थी, तो जैसे विनोद चौराहे से क्रॉसिंग कर रहे थे तो उन्होंने अपनी साइड तो देख लिया बट जो दूसरी साइड थी उधर नहीं देखा उसने,
तो जो दूसरी साइड से अगर वो देख लेता सिर्फ एक सेकंड लगती उसको देखने में, बट उसने नहीं देखा तो गाड़ी टकरा गई। एंड शुक्र ये रहा कि ना अगले बंदे को चोट लगी और विनोद और मतलब अमित वो भी सेफ हैं, तो किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ और हमारे को भी। बट सिर्फ एक सेकंड की लापरवाही होती है। विनोद ने खुद एडमिट कर लिया कि हाँ कि अगर मैं बातों में नहीं होता, अमित के साथ बात नहीं करा होता तो शायद मैं उस तरफ देखता, क्योंकि वो हमेशा उस चौराहे से जाते हैं तो हमेशा ही देख के निकलते हैं। बट सिर्फ एक सेकंड का जो लापरवाही थी उससे मतलब नुकसान हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस में है गाड़ी, वहाँ से हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा, बट अगर वो कुछ और ज़्यादा हो जाता उससे तो फिर क्या करते। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरा क्या रहता है ना कि जैसे मेरे को ड्राइविंग आती है तो आई नो कि अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर किसी लेडीज़ को, जो भी लेडीज़ ड्राइविंग जानती हैं उनके साथ भी शायद ऐसा होता होगा, बताइएगा ज़रूर मेरे को। तो मेरे को ऐसा होता है, मेरे को ड्राइविंग आती है तो मैं कभी भी गाड़ी में नहीं सोती हूँ, चाहे मेरे को हेडेक हो, चाहे नींद आ रही हो, कुछ भी हो, मैं जितना अलर्ट ड्राइवर रहता है ना उतनी ही अलर्ट मैं रहती हूँ। मैं कभी इधर भी नहीं देखती हूँ, बहुत कम होता है। विनोद कहेंगे अच्छा वो देखा तूने, मैं यार मेरा ध्यान सामने था, तो विनोद कहते कि तो ड्राइव तो मैं कर रहा हूँ ना, तेरा ध्यान क्यों था। तो मेरा हमेशा ऐसे होता है कि मेरा जो ध्यान है वो हमेशा रोड पे ही होता है। शायद जो ड्राइव करते हैं उनको, उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा, और नहीं पता, मतलब मुझे तो वो ऐसा ही लगता है कि जब मैं ड्राइवर के साथ बैठी होती हूँ सीट पे तो मेरा पूरा ध्यान ड्राइवर से ज़्यादा सीट मतलब रोड पे होता है, तो मैं हमेशा अलर्ट रहती हूँ। और शायद ये सबके साथ होता है, तो बताना मुझे कि आप लोग जो ड्राइवर जानते हैं, ड्राइव जानते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है क्या। तो बस यही मैं शेयर करना चाह रही थी कि आपका एक सेकंड क्या आधे सेकंड की भी जो लापरवाही होती है ना वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। तो प्लीज़ जब भी ड्राइव करें सेफ़ होकर ड्राइव करें, ये एक डर की बात नहीं है, एक सेफ्टी की बात है, हमारी तो है ही, साथ में रोड पे अगर हम चल रहे हैं तो उनकी जो सेफ्टी होती है वो भी हमारे हाथ में होती है। अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब मेरी थिंकिंग तो यही है। एंड मैं यस पूरा बोलूँगी कि आप भी इसको फॉलो करें जो भी ड्राइविंग जानते हैं। तो जस्ट एक छोटा सा मैसेज था मेरा आप लोगों के लिए कि मेरे साथ अगर वो हुआ है, एंड अच्छी बात ये है कि विनोद ने एडमिट किया ये कि हाँ वो बातों में नहीं होते तो शायद वो इस चीज़ से बच जाते हैं। बट चलो थैंक गॉड थोड़ा नुकसान हुआ, चलो नेक्स्ट टाइम के लिए सबक है। चलिए कपड़े वॉश कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े मेरे हो गए हैं वॉश, और काफ़ी टाइम बाद, जैसे लास्ट टाइम आई थी तब भी मैंने वॉश कर लिए थे, और इनकी जो वॉश मशीन है उनका फ़ायदा बिल्कुल पूरा उठा रही हूँ। तो मेरे कपड़े हो गए हैं वॉश, और कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी जो मैंने की है। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, और जो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ वो मैसेज आप लोगों ने समझा होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।